कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सभी जीव जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। परंतु कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, बट व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। कोशिका जीव द्रव्य का छोटा सा द्रव्यमान है जो कि झिल्ली से घिरा होता है, जो जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम है, जैसे वृद्धि, उपापचय और जनन इत्यादि। अ सेल इज अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। प्रत्येक कोशिका के तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक, कोशिका झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नंबर दो, केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये कोशिका के तीन मुख्य क्रियात्मक हिस्से हैं। दीज आर द थ्री फंक्शनल रीजंस ऑफ द सेल। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर वन, कोशिका झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। कोशिका की सबसे बाहरी लचीली परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, उसे प्लाज्मा झिल्ली व कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है तथा यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। द आउटर मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल दैट सेपरेट्स इट्स कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस व्हाइल प्रिवेंटिंग पैसेज टू रिमेनिंग सब्सटेंसेस। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई 6 to 8 नैनोमीटर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 6 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की दोहरी परत और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आइए देखते हैं कि कोशिका में पदार्थ अंदर व बाहर प्लाज्मा झिल्ली से कैसे गति करते हैं। लेट अस सी हाउ द सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू मेम्ब्रेन। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली से आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों की गति स्वतः उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाई अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। इन डिफ्यूजन देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है कोशिका में एकत्र हो जाती है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। इस अंतर से विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन भी बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है, अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज़ अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाई द सेल एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसनट्रेशंस इन साइड द सेल। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कम्पेयर टू दैट इन साइड द सेल। दिस डिफरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन साइड एंड आउटसाइड अ सेल स्टार्ट्स द
process of diffusion and CO2 moves out of the cell. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level of core, the concentration of oxygen inside the cell decreases. So, diffusion plays important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है. जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को प्रसरण कहते हैं. अतः जल में घुले पदार्थों का कोशिका में आदान प्रदान प्रसरण विधि से होता है. वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. हैंस इन सेल मूवमेंट ऑफ सब्सटांसिस डिजॉल्व इन वाटर टेक्स प्लेस बाई द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. आइए देखते हैं कि यदि हम कोशिका को शक्कर के अलग अलग विलयन में रखते हैं तो क्या होता है. नंबर एक, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया तो जल प्रसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा. ऐसे विलयन को अल्प प्रसरण दाबी विलयन कहते हैं. इससे कोशिका फूल जाएगी. इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सच एज सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड द सेल विल इन्फ्लेट. उदाहरण के लिए यदि हम किशमिश को वाटर में डालते हैं तो प्रसरण या ऑस्मोसिस से इसमें जल अंदर चला जाएगा और कुछ समय बाद यह फूल जाएगी क्योंकि किशमिश के अंदर जल की मात्रा कम होती है और बाहर अधिक. यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से आर पार जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी. ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं. इससे कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा. इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड देयर विल बी नो नेट चेंज इन शेप ऑफ अ सेल. यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रसरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा. ऐसे विलयन को अति प्रसरण दाबी विलयन कहते हैं. इससे कोशिका सिकुड़ जाएगी. इफ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ड्यू टू दिस सेल विल श्रिंक. उदाहरण के लिए यदि हम अंगूर को चीनी की चाशनी में डालते हैं तो इसका जल प्रसरण से बाहर निकल जाएगा और कुछ समय के बाद यह सिकुड़ जाएगा. कोशिका झिल्ली के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है. सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल. यह कोशिका को बाह्य रक्षण प्रदान करती है. इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल. यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है. कुछ पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने देती है. इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड डिटरमाइंस द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल. प्लाज्मा झिल्ली से विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन.
प्रसरण के द्वारा जल में घुले पदार्थों का आदान प्रदान प्लाज्मा झिल्ली से होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एक्सचेंज ऑफ वाटर डिजॉल्व मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Do you want to know?